बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे तो चले ही, साथ ही दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गई। दोनों पक्षों के लोगों की तरफ से पथराव भी किया गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के लगभग एक दर्जन के करीब लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CAC में भर्ती करवाया, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। घायल दरअसल संघर्ष की वारदात कोतवाली बड़ोत इलाके के कोतना गांव की है, जहां फहीम नाम के शख्स ने गांव के ही बिलाल पक्ष को तरबूज बेचे थे, जिसमें 15,000 रुपए बिलाल पक्ष पर बाकी रह गए थे। आज जब बिलाल के पास रुपए लेने गया तो बिलाल पक्ष ने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और बिलाल पक्ष ने फहीम की कमरे में बंद कर पिटाई कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही फहीम पक्ष के भी लोग बिलाल के घर पर हमला कर दिए। इस दौरान दोनों पक्षों में पहले पथराव हुआ, उसके बाद धारदार हथियार चले और कई राउंड फायरिंग की गई। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हुए हैं, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 55,000 रुपए मांगने के लिए पीटा गया। कौन लोग हैं जिसके 55,000 थे? दूसरा पक्ष है जी वसीम नाम है, सुनो पानी का। तो तुम कितने लोग पीटे थे? हमें दोनों को पीटा जी, नगदी थी हमारे पास 3,000 रुपये, 1 सोने की चेन थी, 5 सोने की दाल हमारे गुड़िया रहते साहब देख लो, डॉक्टरों की वेला देख लो, राम बाले गुर्दे गुर्दे साधने जा रहे हैं, एक गोली चले गई थी। क्या आप करेंगे? कितनी देर से आए आप यहाँ पे? 2 घंटों जब यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, एक घंटे नहीं मिला जी, तो गुर्दे फूट लिया जी। दूसरे पक्ष की उनके रिश्तेदार है जी, उनकी कार्रवाई की जा रही साहब, उनकी रिश्तेदारी जी। देखिए थाना बड़ौत में गांव कोताना है, उसमें किसी बात को लेकर के दो पक्षों में विवाद मारपीट हुई है और एक पक्ष के द्वारा ये फायरिंग की भी बात बताई जा रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। लोगों से बातचीत की गई है और जो सत्य निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे।